किसान ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सूरतगढ़ एरिया से आते हैं, आपको ट्रैक्टर लेना है, स्वराज ट्रैक्टर यदि आप लेना चाहते हैं, तो भाई साहब हमारे पुराने खास मित्र हैं, यहाँ पर आप आइए, हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाएं या फिर मुझसे फ़ोन पे बात करवा के भी आप स्पेशल आकर्षक छूट ले सकते हैं। क्यों भाई साहब, इतना तो कर दोगे हमारे लिए? करेंगे, आपके लिए बिल्कुल करेंगे सर। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ स्वराज ट्रैक्टर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर एक छोटा किसान अपनी घरेलू खेती करता है, जैसे कि 5-10 एकड़ वाला कोई किसान है, तो उसे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, कौन से ट्रैक्टर की डीजल कंजप्शन काफ़ी कम रहती है, यानी खर्चा कम आता है, इसके अलावा मेंटेनेंस खर्चा भी कम हो और काम भी सारे खेती के अच्छे से कर सके। तो सारी जानकारी के लिए भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार परिचय करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जयमल नाथ तंवर है, सूरतगढ़ में स्वराज एजेंसी तंवर ट्रेडर्स के नाम से हमारी फर्म है जी। भाई साहब मेरा सबसे पहला सवाल यही है, पिछले कुछ एक दिनों के अंदर ही स्वराज ट्रैक्टर्स ने मार्केट के अंदर अपनी एक यूनिक पहचान बनाई है, आज लगभग हर एक किसान है उसकी जुबान पे इसका नाम है। अपने आप से जानना चाहूँगा कि अगर एक छोटा किसान 5-10 एकड़ वाला किसान अपनी घरेलू खेती के लिए ट्रैक्टर लेना चाहे तो कौन सा मॉडल उन्हें लेना चाहिए? मेरे हिसाब से उन्हें 744XT ट्रैक्टर लेना चाहिए जी। ये छोटा और बड़ा दोनों ही काम ये कर लेता है, PTO पावर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका, कम डीजल खपत के साथ ये ट्रैक्टर चल रहा है जी। सर मेरा एक और सवाल आपसे है, मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी ट्रैक्टर कंपनियां आजकल चलन में हैं, लेकिन अगर कोई किसान स्वराज का ट्रैक्टर ले तो ऐसा क्या है जो उन ट्रैक्टरों से इसको अपने आप में अलग बनाता है? इसका PTO पावर बहुत ही अच्छा है, बड़ा ट्रैक्टर है, 3478 cc का इसका इंजन है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर इसमें लगे हुए हैं, पावर स्टेयरिंग है, ऑयल ब्रेक है, रिवर्स PTO है, मल्टी स्पीड PTO और लाइव PTO है जी। यानी इसके जो फंक्शन है वो जो अदर ट्रैक्टर कंपनियां हैं उनसे काफ़ी अलग हैं और किसान के लिए जो एक परफेक्ट ट्रैक्टर ये साबित होगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। सर इसके अलावा अगर बात करें, अपने कोई भी गाड़ी लेते हैं चाहे ट्रैक्टर लेते हैं तो मेंटेनेंस खर्च भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो इसका मेंटेनेंस खर्च कितना कहा जाता है एक साल भर में? सबसे कम मेंटेनेंस कहा जाता है स्वराज में, आप कहीं भी जाओगे मार्केट में तो आपको मैकेनिक के पास कम ही खुला हुआ ये ट्रैक्टर मिलेगा। रीसेल वैल्यू के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो बहुत ही बढ़िया रीसेल वैल्यू, आप जब मन चाहो बेचने का ये अच्छे रेट देके आपको जाएगा जी। ये काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि अपने घर पे यदि स्वराज ट्रैक्टर है तो जब मर्जी चाहे आधी रात को इसको बेच लो और आपको अच्छी कीमत भी इसकी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो किसानों की पसंद स्वराज ट्रैक्टर आजकल बने हुए हैं तो ये उन पे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता है बिल्कुल। सर इसके अलावा बात करें खेती कार्यों की, तो कौन कौन से खेती कार्यों में ये निपुण हैं? ये लगभग सभी इम्प्लीमेंट्स खींच सकता है, जैसे आज के टाइम में रूटावेटर चल रहा है, सुपर सीडर चल रहा है, धान धुपाई की मशीन चल रही है, नो वाले तोता हल चल रहे हैं, तो इनमें सभी में ये बढ़िया कामयाब है जी। यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसान भाई कोई भी कृषि यंत्र इसके साथ अटैच करेंगे तो ये पीछे नहीं हटेगा जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सर बात करें लोडिंग की, तो ट्रॉली में अगर इसको चलाएं तो उसमें कैसा रहेगा? ट्रॉली में बढ़िया एवरेज बढ़िया स्पीड के साथ ट्रैक्टर चल रहा है अपना, यानी ऑन रोड भी खूब कामयाब है? हाँ खूब कामयाब है सर। जितने भी किसान भाई इस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर मैं यहाँ पे देके जा रहा हूँ। जो भी किसान ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सूरतगढ़ एरिया से आते हैं, आपको ट्रैक्टर लेना है, स्वराज ट्रैक्टर यदि आप लेना चाहते हैं, तो भाई साहब हमारे पुराने खास मित्र हैं, यहाँ पर आप आइए, हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाएं या फिर मुझसे फ़ोन पे बात करवा के भी आप स्पेशल आकर्षक छूट ले सकते हैं। क्यों भाई साहब, इतना तो कर दोगे हमारे लिए? करेंगे, आपके लिए बिल्कुल करेंगे सर जी। तो जैसा कि हमने बताया, कोई भी किसान सूरतगढ़ एरिया से ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो इनकी फर्म पर एक बार आकर के जरूर रेट इत्यादि की ट्राई करें और अपना मनवांछित ट्रैक्टर है वो जरूर लेकर के जाएं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट शंका या सवाल है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी आपके हर एक जो कमेंट का जल्दी से जल्दी जवाब दिया जा सके। सर धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।